हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आज हमारी ज्योग्राफी की घटनाचक्र पुनरावलोकन जो सीरीज चल रही थी उसकी नेक्स्ट क्लास है, जो यूपी पीसीएस किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ या आरओ के लिए, यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन सभी के क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। आप अदर भी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, जिसमें भी ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी आप आल एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम गंगा नदी तंत्र देख रहे हैं, ये हमारी गंगा नदी तंत्र है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। गंगा नदी तंत्र कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम जो है ग्रेटर हिमालय के, ग्रेटर हिमालय, हिमालय का जब वर्गीकरण किया गया था तो ग्रेटर हिमालय के बारे में हमने देखा था, ग्रेटर हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसको गोमुख भी आप बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, किस जिले से निकलती, सॉरी किस राज्य से निकलती है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य से निकलती है। किस जिले से निकलती है तो आप राज्य पूछा जाएगा, यदि आपसे राज्य पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। यदि आपसे जिला पूछा जाएगा कि किस जिले से निकलती है तो इसका जिला क्या है, उत्तरकाशी जिला है। कौन सा जिला है इसका? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट से गंगोत्री ग्लेशियर से, अगर आपसे ग्लेशियर पूछा जाएगा तो आप कौन सी ग्लेशियर बताएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर पूछा जाए किस हिमालय से तो ग्रेटर हिमालय से, ठीक है। ये आपका इसका उद्गम स्थल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है आपकी, और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन, गंगोत्री और यमुनोत्री में ध्यान रखिएगा, यमुनोत्री में से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। एक तरह से आप तो ये जानिए कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी, गंगा नहीं निकलती, लेकिन आप गंगा भागीरथी नदी का ही नाम आगे चल के जब अलकनंदा और भागीरथी एक में मिलती है तो इन्हीं का नाम होता है कौन सा, गंगा। तो इसलिए इनको गंगोत्री से ही गंगा का उद्गम बताया जा सकता है, लेकिन वहाँ से वास्तव में निकलती है भागीरथी के नाम से, और जब पहुँचती है आपकी यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थान से, प्रयाग पंच प्रयाग के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जब ये पंच प्रयाग में मिलती हैं आपस में, कौन कौन सी, इधर से आपकी गंगा आती है और इधर से आपकी कौन सी आती है, सतोपद ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। किस स्थान पर मिलती हैं, देवप्रयाग नामक स्थान पर ये आपस में मिलती हैं, उसके आगे ये किस नाम से कहलाती हैं, भागीरथी और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा आपस में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, उसके बाद से इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। आगे देखिए, यह आपकी गंगा नदी निकल रही है, इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, जो 1450 किलोमीटर ये यूपी में ही बहती है और 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, ठीक है। बद्रीनाथ को सतोपद ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर का क्या यूज है इसमें भी आगे हम देखेंगे। और यमुना नदी जो है यूपी के पीलीभीत के फुलझर झील से निकलती है, जो यमुना नदी है, यमुना नदी यूपी के पीलीभीत के फुलझर झील से निकलती है, फुलझर झील से, एक सेकंड यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, शायद हमने यमुना नदी बोल दिया है, ये गोमती नदी है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, यूपी के पीलीभीत के फुलझर झील से निकलती है। अब हम एक बार ये मैप देख लेते हैं जिसमें गंगा नदी का प्रवाह दिखाया गया है। गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, ये इस प्रकार से आती है, पूर्व दिशा की ओर निकल जाती है। अब उसमें देखिए कौन नदी मिलती है इसमें, कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, पीछे भी बताया जा चुका है लेकिन यहाँ आप डिटेल से देखेंगे, इसके पीछे थोड़ा शॉर्ट में देखा गया था। इसमें देखिए आपको मिलती है, यहाँ आकर मिलती है कौन कौन सी, ये अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान से। देन जब ये इसके आगे चलती है तो ये ऊपर ऊपर से इसके कौन से तट की नदियाँ हैं, दाएं तट की नदी, सॉरी बाएं तट की नदियाँ हैं, ऊपर इसके किस तट की नदियाँ हैं, किस तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, नीचे इसके कौन सी हैं, दाएं तरफ, क्योंकि हमारा फेस किस साइड होगा, हमारा फेस पूर्व साइड का होगा, तो ऊपर हमारी जाएगी लेफ्ट और नीचे हमारी जाएगी राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौन सी नदी आके सबसे पहले इसमें मिली है, सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा नदी। ये कौन सी नदी है, रामगंगा। रामगंगा के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा के बाएं तट की सबसे पूर्वी सहायक नदी, सबसे पश्चिमी सहायक नदी या सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है। ये पूर्व साइड आपका इधर है और इधर आपका पश्चिम है, तो सबसे पश्चिमी साइड की
सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी साइड की सहायक नदी इसमें रामगंगा है। रामगंगा के बाद इसमें कौन मिलती है? गोमती मिलती है। गोमती के बाद कौन मिलती है? गोमती के बाद इसमें कौन मिल रही है? घाघरा मिल रही है। घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद कौन मिल रही है? महानंदा। इसकी ट्रिक भी आपको बताया जा चुका है कि RGGKM, RGGKM ये बाएं तट से मिलने वाली नदियों के ट्रिक हैं। आर से कौन सा है? आर आर से रामगंगा, जी से गोमती, जी से घाघरा, जी से गंडक, के से कोसी और एम से महानंदा, एम से महानंदा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी हो गई बाएं तट की सहायक नदी। अब हम देखेंगे दाएं तट से इसमें कौन कौन मिल रही है। बाएं तट की हमारी कंप्लीट हो गई, अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन दाएं तट की सहायक नदी है। तो दाएं तट से एक देखिए आपकी ये यमुना आके मिल रही है। यमुना, यमुना की विशेषता ये होती है कि निकलती तो हिमालय से है, बाकी सारी नदियाँ हिमालय साइड से जब निकलती हैं तो वो बाएं तट से मिलती हैं, बाएं साइड से मिलती हैं, लेकिन ये निकलती हिमालय से एकमात्र ऐसी नदी है निकलने वाली जो इससे आकर के दाएं तट से मिलती है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, गंगा से मिलने वाली उस नदी का नाम बताइए जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो गंगा से दाएं तट से मिलती है उसका नाम क्या है? यमुना नदी है। नेक्स्ट इधर कौन है? यमुना के बाद सोन है। यमुना और सोन ये दो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यमुना और सोन ये यमुना की बाकी सहायक नदियाँ हैं। बाकी ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इसकी हैं आपकी। इसको हम आगे अभी यमुना की डिटेल में देख लेंगे, अभी यहाँ हम सिर्फ गंगा को देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। यमुना और सोन हो गई इधर की सहायक नदियाँ। और आप आगे देखिए, ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं यहाँ पे। ये जब आपकी पश्चिम बंगाल में पहुँचती है गंगा, गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक हुगली, ये आपकी हुगली इधर हो जाती है, एक आपकी मुख्य शाखा इधर निकल आती है। हुगली इसकी भित्रिका या विश्वासघाती नदी कहलाती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे हुगली। हुगली क्या है? विश्वासघाती। हुगली सहायक नदी किसकी? दामोदर। दामोदर इसकी सहायक नदी है हुगली की। ये भी पीछे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट में। ये यहाँ से आपकी क्या हो गई? अलग हो गई है। अब इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। फरक्का नामक स्थान पर ये विभाजित हो जाती है। किस स्थान पर? हुगली गंगा से विभाजित होती है तो फरक्का नामक स्थान पर विभाजित होती है। अब इसके बारे में डिटेल्स नीचे लिखा हुआ है, अभी तो आपने सिर्फ ये देखा है कि कौन कहाँ से मिल रही है। आपसे ये पूछा जाए किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस हिमालय से? ग्रेटर हिमालय से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है, तो क्या हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसमें इसके बारे में आगे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसमें ये ब्रह्मपुत्रा का है, तो ब्रह्मपुत्रा हम नेक्स्ट देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी लास्ट में जब गिरती है आपकी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल ये इस तरह से है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है तो किस नाम से गिरती है? किस नाम से गिरती है? मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उस समय गंगा नाम से ना गिर के मेघना नाम से गिरती है। देखिए उसके बारे में हम देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो दाएं तट से मिलती है तो ये कौन सी थी? यमुना थी। ये किसकी विशेषता है? यह यमुना की विशेषता है, आपको बताया जा चुका है। फरक्का नामक स्थान पर विभाजित होती है गंगा नदी। फरक्का नामक स्थान पर दो भागों में विभाजित होती है। मेन मेन शाखा इसकी आगे निकल जाती है और जो भित्रिका है वो कौन से, क्या नाम से है? हुगली नाम से है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक इसकी मुख्य शाखा है, दूसरी इसकी हुगली नाम से जो विभाजित हुई शाखा है वो हुगली नाम से प्रसिद्ध है और उसी को क्या बोला जाता है? हुगली को विश्वासघाती नदी बोला जाता है। आगे देखते हैं, भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर के किस नाम से जाने जाते हैं? गंगा नाम से जाने जाते हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी व लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। सबसे पश्चिमी व लंबी पूछी जाएगी, सबसे पश्चिमी व लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना है। गंगा नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार में जब पहुँचती है तो वहाँ से इसके बाद ये पहाड़ों से उतर करके मैदान में आ जाती है। गंगा के तट पर स्थित महानगर कौन कौन से हैं? ये देखिए देवप्रयाग, ये आपके गंगा नदी है, इस पर स्थित जो महानगर है उसके बारे में लिखा है। ये देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, वाराणसी है, पटना है, देन कलकत्ता है। कलकत्ता को बोला जाता है हुगली नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि गंगा की ही भित्रिका कौन सी है? हुगली। हुगली नदी के किनारे कौन स्थित है? कलकत्ता। ये महानगर हो गए, गंगा के तट पर स्थित महानगर हो गए। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? ये आपकी यमुना थी।
यमुना क्या थी, जो आपकी गंगा में इधर गंगा निकल रही थी, गंगा से मिल रही थी। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, इधर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ऊपर से कौन मिलता है, टोंस और हिंडन, ऊपर से बाएं तट की टोंस और हिंडन, दाएं तट की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मालव अवतार के हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। ये आपकी सेवन सिस्टर्स लिखी हुई है, सेवन सिस्टर्स के बारे में आपको बताया जा चुका है, ट्रेन भी बताया जा चुका है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसको ट्रिक से, मैप से आपको देखना है तो आप लास्ट क्लास देखिएगा। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यमुना नदी की लंबाई आपकी 1370 किलोमीटर है, यमुना नदी की लंबाई आपकी 1370 किलोमीटर है। गंगा से कहाँ मिलती है यमुना नदी, प्रयागराज में मिलती है। कौन कहाँ पे मिलती है गंगा से, उसके लिए भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है किस स्थान पर गंगा नदी से ये नदी मिलती है। यमुना नदी की बाएं तट की, यमुना नदी की बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना नदी की बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो बाएं तट की कौन कौन सी हैं, चंबल, बाएं तट इस तरह से था, नीचे से चंबल, सिंध, बेतवा, केन मिला था, ऊपर से टोंस और हिंडन मिला था। तो बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी है, टोंस और हिंडन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आगे आप और भी देखेंगे, रिहन, सेंगर और वरुड़ा, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किस तट की नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किस तरफ से मिलती हैं, ये आपकी नीचे से मिल रही है, नीचे से था, दाएं तट से मिल रही है, ये किस तट से मिली, दाएं तट की। तो दाएं तट की, बाएं तट की सहायक नदियाँ टोंस और हिंडन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें और आगे भी हैं, रिहन, सेंगर, वरुड़ा, ये भी हैं, और दाएं तट की पूछा जाएगा तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। नेक्स्ट देखिए, हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर। इस तरह से गंगा से हुगली अलग हुई थी फरक्का नामक स्थान पर, इधर से जाकर के दामोदर इसमें मिल जा रही। तो हुगली की सहायक नदी कौन 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 सी है, दामोदर है। गंगा की टूटी हुई शाखा हुगली को ही बोला जाता है, क्योंकि अलग हुई थी, भित्रिका भी बोला जाता है, हुगली टूटी हुई शाखा भी बोला जाता है, और इसको विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है, इसे हुगली के नाम है। यह आपकी चंबल है, ऊपर से बनास मिल रही है, नीचे से छिप्रा मिल रही है, और ये चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल किसकी सहायक नदी है, अभी आपने देखा कि चंबल, सिंध, बेतवा के लिए किसकी सहायक नदी थे, यमुना की, यमुना की सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, बनास और छिप्रा। ये आपकी यमुना थी इस तरह से, ये गंगा थी, ये आपकी कौन सी है, ये गंगा है, ये आपकी यमुना है, यमुना है, यमुना में कौन मिला, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये कौन सी है, ये चंबल है, और चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, ऊपर से बनास मिल रही है, नीचे से छिप्रा मिल रही है, बनास और छिप्रा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बराक प्लस पद्मा, बराक और पद्मा मिलकर के किस नाम से जानी जाती है, मेघना, और मेघना नाम से ही आकर के कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखिए, जो पश्चिम बंगाल थी, पश्चिम फरक्का नामक स्थान पर ये अलग हुई थी, तो एक इधर गई थी एक इधर गई थी, पश्चिम बंगाल में इनको किस नाम से, गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हुगली में इसकी भित्रिका गई है, तो हुगली वही आगे बढ़ना, हुगली नाम उसका पड़ा है, तो पश्चिम बंगाल में इसको हुगली नाम से जाना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में इधर आप पहुंचेंगे, जब इंडिया से बाहर आपकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश में किस नाम से जाता है, पद्मा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अब बराक और पद्मा ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना, और मेघना नाम से ये कहाँ गिरती है, पश्चिम बंगाल में गिरती है, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, गंगा की उस सहायक नदी का नाम बताइए, वही क्वेश्चन है, गंगा की उस सहायक नदी का नाम बताइए, मिलती तो दाएं तट से है लेकिन हिमालय से ही निकलती है, ये आप बताइए क्या है, यमुना है। देवप्रयाग नामक स्थान पर कौन कौन मिलता है, देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, तब वो गंगा नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब कि देवप्रयाग नामक स्थान से पहले गंगा को किस नाम से जाना गया है, भागीरथी नाम से, क्योंकि ये भागीरथी है, इधर से अलकनंदा है, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तभी ये गंगा का नाम होती है, तो इसके पहले किस नाम से जाना गया है, इसके पहले ये भागीरथी नाम से जानी जाती थी गंगा, इससे पहले भागीरथी नाम जाना जाता था। गंगा जो है, आपकी गंगा जो है, इसका क्षेत्र क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो गंगा 861,404 किलोमीटर स्क्वायर में फैली है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 861,404 किलोमीटर स्क्वायर, चार से अधिक देशों को कवर करती है, चार से अधिक देशों को गंगा कवर करती है,
गंगा यूपी के 28 जिलों से बहती है। यूपी में 75 जिले हैं, जिसमें से 28 जिलों में आपकी कौन बहती है? गंगा बहती है। कौन बहती है? गंगा बहती है। आगे देखते हैं, सोन नदी। सोन नदी कौन है? सोन नदी की क्या भूमिका है? सोन नदी किसकी सहायक? सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन आप गंगा की सहायक नदी है। सोन किस? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सहायक किस साइड से आकर के मिलती है? नीचे की साइड से मिलती है, यानी ये दाएं तट की सहायक नदी है। यमुना देन सोन। यमुना और सोन ये किस तट की सहायक नदी है? ये दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। अब इनका उद्गम कहाँ है? उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से होता है इसका उद्गम, और ये एक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है। ये किस क्षेत्र से निकलती है? ये एक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में, क्योंकि नीचे से जाकर के मिलती है। तो नीचे से जब जाकर के मिलती है तो इसकी दिशा क्या है? ऊपर कौन है? उत्तर है। उत्तर दिशा की ओर ये बहती है, ऊपर की ओर बहती है। ये आप पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में राजपीपला चोटी, महादेव और मैकाल, सतपुड़ा जो पर्वत है इस पे तीन चोटियाँ पाई जाती थी, राजपीपला, महादेव और मैकाल। सबसे राजपीपला और महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी की लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है, आप बताइए। मध्य प्रदेश सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। सोन नदी की सहायक नदी इम्पोर्टेंट है। सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? रिहंद है और उत्तरी कोयल है। रिहंद है और उत्तरी कोयल। यूकी उत्तराखंड की जो राजधानी है, सर्दियों में देहरादून होती है और गर्मियों में गैरसैंण होती है। गर्मियों में क्या होती है? गैरसैंण होती है। नेक्स्ट देखते हैं रामगंगा। ये जो मिलने वाली नदियाँ हैं, गंगा से मिलने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। ये रामगंगा है। रामगंगा की विशेषता क्या है? भाई पहले तो इसका उद्गम देखिए। ये उद्गम गैरसैंण के निकट दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। किस श्रेणी से निकलती है? दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। और गंगा से कहाँ पर आकर मिलती है? कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। गंगा की सबसे पहली बाएं तट की सहायक नदी है। सबसे पहले यही आकर के गंगा से मिलती है बाएं तट की, क्योंकि आठ पर्जी के अंग ये कौन थी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा की सबसे पहले कौन मिली? रामगंगा मिली। देन गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? यूपी। गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा? पीलीभीत। झील कौन सा? फुलझर झील के पास से। गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलझर झील से इसका उद्गम होता है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है, बाकी सभी हिमालय तरफ से निकलते हैं। और गाजीपुर यूपी में गंगा से मिलती है। गोमती नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? यूपी में गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हम देखते हैं घाघरा। घाघरा का उद्गम, घाघरा नदी का उद्गम, ये तीसरी सहायक नदी है। तीसरी सहायक नदी है दाएं तट की, बाएं तट की। इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत के मामचाचुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी का उद्गम क्या है? तिब्बत के मामचाचुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी। छपरा नामक घाघरा जो है छपरा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। घाघरा जो है छपरा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गंडक नदी। आर ट्रिपल जी के और एम रामगंगा हमने पढ़ लिया, गोमती पढ़ लिया, घाघरा पढ़ लिया, अब किसकी बारी है? गंडक की। अब किसकी बारी है? गंडक नदी की। चलिए देखते हैं गंडक नदी। यह दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। यानी गंडक नदी जो है ये काली गंडक, इसमें कौन कौन सी नदी मिली है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दोनों जब नदियां आपस में मिलती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंडक नदी हो जाता है। मिलने से बनती है गंडक नदी हाजीपुर नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। किस स्थान पर? हाजीपुर नामक स्थान। गंडक हाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। और अभी जो हमने ऊपर देखा था गोमती, गोमती कहाँ मिल रही थी आप बताइए? कोसी नदी। नेक्स्ट क्या? कोसी नदी, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। और पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा भी पूर्ववर्ती नदी है। कोसी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। कोसी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, ये सब कैसी नदियाँ हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा तीनों का उद्गम स्थान एक ही है। ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती हैं तीन के तीनों। नेक्स्ट देखते हैं महानंदा।
कोसी हो गया, कोसी के बाद किसका क्रम है, महानंदा का। महानंदा का देखते हैं, महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आकर मिलती थी, ये सबसे लास्ट में आकर के इधर मिली है, तो सबसे अंतिम सहायक नदी है गंगा की बाएं तट की मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से। ये कहाँ से निकलती है महानंदा नदी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और आपकी गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है, ये आप पढ़ चुके हैं, ये छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित भी कौन करता है, दामोदर नदी। ऊपर के क्षेत्र को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे के क्षेत्र को बोलते हैं रांची का पठारी। साइड में इसके कौन है, कोडरमा का पठार। कोडरमा जिला जो है कोडरमा जिला है ये झारखंड में पड़ता है और इसको क्या बोलते हैं, अभ्रक नगरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभ्रक नगरी, क्योंकि यहाँ अभ्रक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है कोडरमा पठार पर। सहायक नदियां कौन सी हैं, किसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बराकर, एक सेकेंड, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार और साली। ये इसकी सहायक नदियां हैं, बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार और साली, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ये, किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ये, दामोदर नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं, दामोदर नदी की। कौन कौन सी नदियां, बराकर, दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार, साली, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की जो परियोजना है, इसकी परियोजना बारे में देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी यूएसए के टेनसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, यूएसए के टेनसी नदी घाट परियोजना पर आधारित थी। इस परियोजना को का विस्तार कहाँ पाया जाता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। झारखंड व पश्चिम बंगाल क्षेत्र में इस दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार पाया जाता है। कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है दामोदर घाटी परियोजना का, जो क्षेत्र है वो क्या है, कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कोयला भंडार देश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा एक और आपको बताया गया था, स्वर्णरेखा के अलावा एक और नदी का नाम बताया गया था, उसको आप बताइए, उसका नाम क्या था, ब्रह्मगिरी था। नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी पर हुरू जलप्रपात स्थित है। छोटा बनाकुर पठार के सबसे लंबी नदी कौन सी है, दामोदर नदी है, क्योंकि इसको दो भागों में बांट रही थी। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी है। भ्रंश घाट में बहने वाली नदी छोटा नागपुर पठार से सबसे अधिक चोटी, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी नदी है, भ्रंश घाट से बहने वाली नदी। तो पहले भ्रंश घाट से होकर बहने वाली नदियां कौन कितनी है, तीन नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भ्रंश घाट से होकर बहने वाली नदियां कितनी हैं, तीन नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। आपको एक साथ सभी ऊंची चोटियां मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, पाठभूमि के बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलकृति है, उसी को क्या बोला जाता है, पाठभूमि बोला जाता है। जो ग्रेनाइट चट्टानों से एक निर्मित ऊंचे आकार की स्थलाकृति है उसी को क्या बोला जाता है, पाठभूमि बोला जाता है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, अभी आपने देखा। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है और बराकर नदी पर कौन सी परियोजना है, तिलैया परियोजना है। बराकर नदी पर कौन सी परियोजना है, तिलैया परियोजना। नेक्स्ट देखिए, तिस्ता नदी की सहायक नदी रंगीती। तिस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है, रंगीती नदी। और तिस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, चोलामू झील से है, जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जेमू ग्लेशियर, तिस्ता नदी ग्लेशियर पूछा जाएगा तो जेमू ग्लेशियर, झील पूछा जाएगा तो चोलामू झील। नेक्स्ट देखते हैं, सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और विबोवा। नेक्स्ट क्या है, निबोवा के बाद सेंगर, विबोवा के बाद सेंगर।
तोची, गोमल, बिबोवा, देन कौन सी? सेंगर। पूर्ववर्ती नदियां, ये सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली नदियां थी ऊपर वाली। अब ये पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कोसी। पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? फोर नदियां हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, देन कोसी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आती है साबरमती, साबरमती, माही और नर्मदा। साबरमती, माही और नर्मदा। साबरमती, माही और नर्मदा, ये अभी किस साइड बहती हैं? पश्चिम की साइड। पश्चिम की साइड यानी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? खंभात की खाड़ी, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। लूनी नदी के बारे में देख लीजिए, लूनी नदी की लंबाई पूछी जाती है, इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। लूनी नदी की जो उपनाम है उसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान की गंगा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो मुहाना है वो कच्छ के रण में ही स्थित है। लूनी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको ये भी बोला जाता है कि एक अंतर्वाही नदी है। कैसी नदी है? अंतर्वाही नदी है, जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती, तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लूनी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? अंतर्वाही नदी के नाम से जाना जाता है इनलैंड। और मुहाना इसका क्या है? कच्छ के रण में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका मुहाना क्या है, लूनी नदी का मुहाना क्या है? कच्छ के रण में इसका मुहाना है। सहायक नदी, लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदी जवाई, बूदी, खादी, सरस्वती, सरस्वती। और ये जो सरस्वती है कहाँ से निकलती है? ये आपकी पुष्कर झील से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार पर, घटते आकार के आधार पर ये क्रम है आपका कौन सा? नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। तापी या ताप्ती एक ही बात है। ये नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अभी आपको बताया गया है कि कानपुर गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। गंगा निकलती है कहाँ से निकलती है? अभी जस्ट बताया गया है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बाएं तट की सहायक नदी इसकी कौन सी है? ट्री किसकी क्या है? RGGKM। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, केसे कोसी, एम से महानंदा। आर से रामगंगा, जी से गोमती, जी से घाघरा, जी से गंडक, केसे कोसी, एम से महानंदा। और दाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना और सोन। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंदन, टोन। जिसमें से चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये मालवा पठार से निकलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये कहाँ से निकलती हैं? मालवा पठार से निकलती। गंगा हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर मैदान में उतरती है। गंगा जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। पश्चिम बंगाल में गंगा की पश्चिमी शाखा को पुनः किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। गंगा किन राज्यों से बहती है, कितने राज्यों को कवर करती है? तो पांच राज्यों को कवर करती है। उत्तर भारत के पांच राज्यों को गंगा कवर करती है। कौन कौन सा है? ये क्रम से है आपका, कौन कौन सा है या आपके क्रम से लिखे हुए हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड से निकलती है उत्तराखंड, देन यूपी, देन बिहार, देन झारखंड, देन पश्चिम बंगाल। ये हमारे भारत के हैं। अब ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बाहर निकल जाती है। पश्चिम बंगाल में एक इसकी वितरिका होती है जिसको हुगली नामक, हुगली कहा जाता है। और ये किस स्थान पर इससे वितरित होती है? ये फरक्का नामक स्थान पर अलग हो जाती है। ये आपकी हुगली हो गई जो इधर आपकी गई बांग्लादेश से पहुंची। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश से निकलती है तो बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है, गिर जाती है। गंगा का अंतिम नाम क्या है? मेघना। अंतिम नाम इसका क्या है? मेघना। जब बराक नदी आकर के इससे मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। जब बराक नदी आकर के मिलती है तब इसका नाम क्या होगा? पद्मा में बराक नदी आकर के मिलती है। पद्मा कहाँ है? बांग्लादेश में। तो यानी बांग्लादेश में जब बराक नदी आकर के गंगा से मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना। और मेघना नाम से ही वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा दो देश कौन कौन से हैं? इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। गंगा पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। गंगा भारत के यूपी में सबसे लंबी बहती है। गंगा भारत के यूपी में सबसे लंबी बहती है। अभी आपको बताया गया है कितनी किलोमीटर बहती है, ये आप बताइए। गंगा झारखंड में सबसे कम बहती है। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? यूपी में। और सबसे कम कहाँ बहती है? झारखंड में। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की सहायक नदियों का संगम यानी जो गंगा की सहायक नदियाँ थी वो गंगा से किस स्थान पर मिलती हैं उसके बारे में देखिए। अलकनंदा, अलकनंदा जो है
ये भागीरथी से मिलती है, भागीरथी गंगा ही तो है। तो अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलता है। यमुना कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अब आप ये भी बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन क्षेत्र कहाँ पर पड़ रहा है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पड़ रहा है। कभी कभी ये ना दे करके आपसे सिर्फ स्टेट पूछ लिया जाता है, तो किस स्टेट में आकर के मिल रही है। तो रामगंगा जो अलकनंदा थी, देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा मिल रही थी। देवप्रयाग आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा कहाँ पर मिली है? कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। यमुना कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। और प्रयागराज भी कहाँ है? यूपी में। गोमती आपकी गंगा में कहाँ मिल रही है? गाजीपुर में। गाजीपुर भी आपका कहाँ है? यूपी में। घाघरा कहाँ मिले? छपरा में। और छपरा कहाँ पर है? बिहार में। सोन गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में। पटना भी कहाँ है? बिहार में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। गंडक आपकी कहाँ पर मिलती है? हाजीपुर में। हाजीपुर भी आपका कहाँ पर है? बिहार में। देन कोसी, कोसी आपकी गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागलपुर में। भागलपुर में बिहार, भागलपुर भी कहाँ है? बिहार में। और महानंदा कहाँ पर मिलती है? महानंदा कहाँ मिलती है? मालदा। मालदा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। यानी ये तीन जिलों में, तीन आपकी तीन स्टेट में आकर के इनकी सहायक नदियां मिल रही हैं। कहाँ कहाँ पर? कुछ यूपी में मिली हुई हैं, कुछ बिहार में आकर के मिले हैं, और कुछ पश्चिम बंगाल में आकर के मिल रहे हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, और एक कानपुर भी है। कानपुर सबसे बड़ा क्षेत्र आपका माना जा रहा है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? देखिए, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक कभी कोई क्वेश्चन पूछा, ये आपके क्वेश्चन दो टाइप के, तो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। हमने जिस हिसाब से याद किया आपको वो हम बता रहे हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी, दक्षिणी गंगा बोला जाएगा तो कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तब क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, उल्टा हो गया। दक्षिण भारत की गंगा जो थी, दक्षिण भारत की गंगा आपकी कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, दक्षिण की गंगा गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है और दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी है। अब इसको देखिए, हमने इस टाइप से आती है दक्षिण भारत। यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत बड़ा वर्ड है, तो इसका आंसर छोटा है, कावेरी। कावेरी आपका तीन वर्ड का है, थ्री वर्ड का। और दक्षिण की गंगा, यहाँ सिर्फ दक्षिण है, दक्षिण आपका छोटा है, दक्षिण भारत की अपेक्षा दक्षिण छोटा है, तो दक्षिण के लिए क्या था? गोदावरी था। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी, और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो गोदावरी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, दक्षिण भारत की गंगा में कहीं कहीं गोदावरी कावेरी आपको दोनों मिल जाएगा, लेकिन दक्षिण की गंगा में सिर्फ गोदावरी। आगे देखिए, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। तो यमुना और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये आप देख चुके हैं अभी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दाएं तट की हैं। और बाएं तट की कौन कौन सी हैं? जोंस और हिंडन। जोंस और हिंडन। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल सिंध। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? छिप्रा और बनास। छिप्रा और बनास। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस यानी सिंधु, इंडस यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। कुछ चीजें से बार बार रिपीट हो रही हैं, जो क्वेश्चन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतने ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उससे आप परेशान ना होइए, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, नोट्स और ट्रिक आपको पसंद आ रहे हो, यदि आपको हमारी ट्रिक कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं उसको हम कल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।